कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस की मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम एक धमाका है और गरीबी मिटाने में सर्जिकल स्ट्राइक का काम करेगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने गरीबों को मिटाया जबकि कांग्रेस गरीबी को मिटाएगी। नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में सिर्फ अमीर लोग सपना देख सकते हैं। किसानों को, गरीबों को, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, लाखों रुपए पहले निकाल के देने पड़ते हैं, किसी उद्योगपति को देने पड़ते हैं। हमारी माताएं बहनें बीमार होती हैं, इनके बेटे बीमार होते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। पहले MRI कराओ, हजारों रुपए दो, एक्सरे कराओ हजारों रुपए दो, उसके बाद में इलाज कराओ लाखों रुपए दो। कैंसर हुआ, दिल का दौरा पड़ा, जेब में पैसा नहीं है तो इलाज नहीं किया जा सकता नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान। और हर भाषण में कहीं ना कहीं वायदा करते हैं, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने डालने का कहा, 15 लाख रुपए दे दूंगा, बस मुझे वोट दे दो, प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बना। और फिर चौकीदार एक बार बन गया, चौकीदार बन गया तो फिर देखना मैं 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में ऐसे डालूंगा। अच्छा, वहां नहीं रुकने वाला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भी दे दूंगा, प्रधानमंत्री बनाया तो किसानों को भी कर्जा माफ कर दूंगा। मतलब जो भी उनके मन में आया उन्होंने कह दिया, 15 लाख रुपए नहीं मिले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ।